नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीने से जारी है। विपक्ष से लेकर किसान मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि खेत देश की रक्षा में तिल तिल मरे हैं किसान, पर ना डटे हैं किसान आज भी। इस ट्वीट के साथ साथ राहुल गांधी ने #500deathsatfarmersprotest का जिक्र भी किया है, यानी किसान आंदोलन के दौरान अब तक 500 किसानों की मौत हो चुकी है। राहुल ने दावा किया है कि किसान विरोध प्रदर्शन में अब तक 500 किसानों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल, ठिठुरन वाली ठंड और झमाझम बारिश के दौर में भी किसान अपनी मांग को पूरा करने के लिए अड़े हैं। वो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है। अन्नदाताओं ने ठान रखा है कि वो तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करवाएंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते करते किसानों को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार भी अपनी बात पर अड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि ये आंदोलन कब और कैसे खत्म होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।